दोस्तों महेशी रसोई में आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मुल्तानी रोटी और उसके साथ ही हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल लच्छेदार मलाई प्याज। बेस्ट कॉम्बिनेशन है और ये जो रोटियां होती हैं इनका जो टेस्ट होता है काफ़ी कुछ रुमाली रोटी से मिलता हुआ होता है, लेकिन उसकी अपेक्षा इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। आप इसे बहुत आराम से और मिनटों में बना सकते हैं। इस सब्जी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं और ये जो सब्जी होती है इसे तो आप चाहें तो नॉर्मल रोटी परांठे के साथ सर्व करें, लच्छेदार परांठे के साथ सर्व करें, सबके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत ही टेस्टी है रुमाली रोटी जैसी टेस्टी मुल्तानी रोटी बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा और इस आटे के साथ ही जाएगा इसमें 1 कप जितना मैदा। आप चाहे पूरी तरह मैदा से बना सकते हैं, पूरी तरह गेहूं के आटे से बना सकते हैं, लेकिन मिलाकर बनाइए, हेल्दी ऑप्शन है और साथ ही टेस्ट भी बढ़िया करेगा। 1/2 टीस्पून जितना नमक डाल दीजिए और उसके साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना पाउडर शुगर। रोटी को मीठा नहीं करना है, बस इससे इसका टेस्ट प्रॉपर हो जाएगा। मैंने 1 कप मैदा लिया, 1 कप गेहूं का आटा लिया, यानी ओवरऑल मैंने 2 कप सामान लिया है, तो उस रेशियो से हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना देसी घी। और इसके लिए आप देसी घी का इस्तेमाल करें, नॉर्मल कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ना करें। और ये थोड़ा सा धनिया डाल दिया, आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं, वेरिएशन आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स किया और इसका डो हम नॉर्मल पानी के साथ नहीं लगाएंगे। इसका डो लगाने के लिए हमें ज़रूरत होगी दूध की, और दूध होना चाहिए रूम टेम्परेचर पर, ना तो गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। रिक्वायरमेंट हिसाब के दूध डालते जाइए और इसका एक सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार किए, जैसे कि हम नॉर्मली रोटी के लिए डो लगाते हैं। फ्रेंड डो लगाते हुए ध्यान रखें हमने इसमें मैदा डाली है, इसलिए ये बाद में रस करके फूलेगा नहीं, क्योंकि जैसे कि सूजी के साथ होता है। और बस इस समय हम डो को बहुत ज़्यादा नहीं मसलेंगे, उंगलियों के साथ इस तरीके से इम्प्रेशन दीजिए जैसे कि हम नॉर्मली खुम्बा रोटी में देते हैं। और ये जो थोड़ा सा बचा हुआ दूध है ये भी डाल देंगे और उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। और इसके साथ खाने के लिए हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लच्छा प्याज की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने 6 छोटे साइज़ के प्याज ले लिए हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं, बड़े हैं तो कम भी ले सकते हैं। नॉर्मली जब हम इस तरीके की कोई रेसिपी ट्राई करते हैं तो उसके हमें पैटर्न अलग करने पड़ते हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो बस उसका बहुत ही ईजी सा तरीका है। इसमें ये जो एक गांठ होती है आप इसको हटा दीजिए और उसके बाद बस आप इस तरीके से 4 भागों में कर लीजिए। अगर प्याज ज़्यादा बड़ी है तो आप 8 में भी कर सकते हैं। फिर इस सब्जी के साथ इन रोटियों का जो टेस्ट आता है ना उसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो चलिए झटपट बनने वाली ये सब्जी भी बना लेते हैं। तो मैंने गैस ऑन करी, कढ़ाई रखी और उसमें डाल दिया 2 टेबल स्पून जितना सरसों का तेल। आप जो भी ऑयल खाते हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये गया 1 टीस्पून जितना जीरा और 2 डाल दिए मैंने इसमें ये तेज पत्ते, 2-3 लाल मिर्ची डाल दी और सबको बहुत बढ़िया सा भून लेते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा खड़े मसालों की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये प्याज डाल दिए। प्याज को फ्रेंड्स आप 1 से 1.5 मिनट ही भुनेंगे तो आप देखेंगे इसके जो पेटलिंग यानी जो पंखुड़ियाँ हैं वो अपने आप अलग होने लगेंगी और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और प्याज के साथ ही मैंने इसमें डाल दिया 1 से 1.5 इंच जितना अदरक का टुकड़ा, जिसे एकदम बारीक बारीक कट किया है। आप चाहें तो उसे चॉप कर सकते हैं, कद्दूकस कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सारी प्याज के जो पेटल यानी पंखुड़ियाँ थी अलग हो गई हैं। सब्जी को एकदम अगर ढाबा स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आप इसी समय डाल दीजिए 1 बड़े साइज़ का शिमला मिर्च। और देखिए शिमला मिर्च को भी मैंने उसी साइज़ में कट किया है। कई बार फ्रेंड्स सब्जी की कटिंग भी टेस्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और 1 बड़े साइज़ का प्याज है जिसे मैंने छीलकर साफ़ कर लिया है, क्योंकि हम बना रहे हैं लच्छा प्याज की सब्ज़ी तो 1 प्याज का तो लच्छा बनाना होगा। और ये जो नॉर्मली जिससे हम चिप्स वगैरह बनाते हैं ये वो वाली मशीन है और उससे इस तरीके से हम लच्छा निकाल कर अलग कर लेंगे। इससे आपका काम काफ़ी ईजी भी हो जाएगा और लच्छा भी एकदम परफेक्ट बारीक बारीक आएगा। और ये ले लिया है 50 ग्राम जितना पनीर और पनीर को भी इसी जो मशीन होती है इसी के साथ इस तरीके से हम चिप्स जैसे बना लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो मलाई प्याज की सब्ज़ी ढाबा स्टाइल होती है उसमें जो पनीर होता है वो कोई शेप में नहीं होता है, बस इसी तरीके से रफली सा हुआ होता है। और इधर जो हमारा मसाला पक रहा था उसी में मैंने ये डाल दिए टमाटर
और टमाटर का भी साइज़ आप देख सकते हैं कि उसी साइज़ में मैंने कट किया है। इस समय आपको टमाटर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा कुक करना है कि बस थोड़ा सा सॉफ्ट सा हो जाए। तो सॉफ्ट करने के लिए मैं इसमें डाल देती हूँ फटाफट से ये टेस्ट के हिसाब से नमक, और ये गया हाफ टी स्पून जितना हल्दी पाउडर, और उसके साथ ही मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून जितना सूखा धनिया, और ये गई 1 टी स्पून जितनी लाल मिर्चें तीखा, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये आप डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना डेसिकेटेड कोकोनट, क्योंकि फ्रेंड हम सब्ज़ी बना रहे हैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल, और ढाबा स्टाइल सब्ज़ी में देखते हैं ना वो गोले का सा जो टेस्ट होता है, इससे सब्ज़ी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और साथ ही रिचनेस भी बढ़ जाएगी। और ये टमाटर जब हल्का सा सॉफ्ट हो जाए उसी समय ये लच्छा वाली प्याज डाल दीजिए, इसे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस इसी के साथ ये अच्छे से पक जाएगी और बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आएगा, टेक्सचर भी आएगा और लुक भी बढ़िया हो जाएगा। 2 से 3 टेबल स्पून जितना पानी डाल दिया, ढाबा स्टाइल कोई भी सब्ज़ी हो बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं होती है, थोड़ी सी लटपटी सी होती है, तो करीब 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे कवर करके पका लेते हैं। और करीब 5 मिनट मैंने इसे पकाया है, और 5 मिनट बाद आप इसका रिज़ल्ट देखिए, सब चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। बहुत ज़्यादा मैसी से इसमें आपको टमाटर को नहीं करना है, तो बस मलाई प्याज को हम मलाई प्याज बना लेते हैं और उसमें डाल देते हैं मलाई। मैंने 4 टेबल स्पून जितनी फ्रेश मलाई ली है, इसके लिए आपको जो मलाई लेनी है वो एकदम फ्रेश होनी चाहिए तभी प्रॉपर टेस्ट आएगा। 1/2 टी स्पून गर्म मसाला डाला, 1/2 टी स्पून डाल दिया किचन किंग मसाला, और ये है कसूरी मेथी जिसे हाथ से क्रश करके डालेंगे। कसूरी मेथी का टेस्ट इस तरीके की सब्जियों में बहुत ही बढ़िया आता है। और ये गया 1 टेबल स्पून जितना टमाटो केचप, इससे आपकी सब्जी जो है वो मीठी नहीं होगी लेकिन थोड़ा बढ़िया वाला उसे टेस्ट मिल जाएगा, इसलिए इसे स्किप ना करें। और ये लीजिए अच्छे से मिक्स कर दिया। मलाई डालने के बाद में भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस करीब 2 मिनट पकाया, और ये देखिए प्रॉपर हमारी सब्ज़ी पककर तैयार हो गई है। बहुत ही बढ़िया देखने में लग रही है और टेस्ट आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि बहुत ही शानदार होने वाला है। तो बस इस तरीके से जो चिप्स में कट करके हमने ये पनीर रखा था और ये भी डाल दिया, फ्रेंड्स देख के ही पता चलता है कि जो सब्ज़ी का टेक्सचर है बिल्कुल ढाबा स्टाइल है और टेस्ट तो वो वाला मिलना ही है। पनीर को डालने के बाद में भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ज़्यादा पनीर पकाएंगे चूई हो जाएगा। बस 1 से 1.5 मिनट के लिए कवर कर दें जिससे सारे टेस्ट आपस में पनीर के साथ बढ़िया कम्बाइंड हो जाए। और 1 से 1.5 मिनट हुआ, ये डाल दिया हरा धनिया, और लीजिए बिल्कुल ढाबा स्टाइल लच्छेदार मलाई प्याज की सब्जी तैयार हो गई है। तो अब इसे तो एक साइड से रख देते हैं और अब हम बनाते हैं अपनी बहुत ही बढ़िया सी मुल्तानी रोटी। तो उसके लिए जो हमने आटा रखा था उसने बढ़िया सा आराम कर लिया है। अब मैंने हाथों पे थोड़ा सा देसी घी अप्लाई कर लिया है और इसे बिल्कुल अच्छे से हम मस लेंगे। फ्रेंड्स इसमें दूध डाला है, इसकी वजह से जब आप इसे मसलना स्टार्ट करेंगे जिस बर्तन में आप इसे लगा रहे हैं उस पे भी स्टिक होगा, आपके हाथों में भी स्टिक होगा, लेकिन पेशेंस से आप इसे 3 से 4 मिनट जब मसलेंगे ये आपके हाथों पे भी स्टिक होना बंद हो जाएगा और बर्तन को भी अच्छे से छोड़ देगा। बस यही इंडिकेशन है कि हमारा जो मुल्तानी रोटी का आटा है बढ़िया लगकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स हमने इसमें मैदा डाली है, आटा डाला है, घी डाला है, और ये जो आटा बनेगा बहुत ही लचीला सा बनेगा, इसमें काफ़ी सारा स्ट्रेच होगा। तो बस अब बारी है रोटियां बनाने की, और ये देखिए आटा आप देख सकते हैं बढ़िया स्ट्रेच हो रहा है, एकदम परफेक्ट तैयार है। तो जैसे हम नॉर्मली पराठे बनाते हैं या रोटियां बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा आप इसमें से साइज लीजिए, क्योंकि ये जो रोटियां होती हैं थोड़ी सी बड़े साइज की होती हैं। सूखी मैदा में कोट किया, इसको आपको मैदा में कोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि गेहूं का आटा थोड़ा सा मोटा होता है। तो बस मैंने इसे मैदा में कोट कर लिया और अब मैंने इसे अच्छे बड़ा सा और एकदम पतला सा बेलकर तैयार किया। फ्रेंड्स ये इतना पतला है कि अगर हम इसे हथेली पर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि नीचे हाथ एकदम आराम से दिखाई दे रहा है। और ये लिया बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी, अच्छे से चारों तरफ अप्लाई कर देते हैं, और जब ये अच्छे से अप्लाई हो जाए थोड़ा सा करेंगे हम इस पर सूखा मैदा डस्ट, क्योंकि इससे इसमें बढ़िया लेयर आएंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। एक साइड उठाई, थोड़ा सा घी लगाया, उसके साथ ही थोड़ी सी सूखी मैदा भी लगा देंगे, और अब उठाई दूसरी साइड, इसके ऊपर रखेंगे और इसी तरीके से हम इसे एक पैकेट की शेप दे लेंगे। और ये देखिए एक हमारा पॉकेट जैसा बनकर तैयार हो गया है।
और ये आटा हमने थोड़ा सा सॉफ्ट सा लगाकर तैयार किया था, इसलिए हमारी जो रोटी बनने वाली है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट टेस्ट की बनने वाली है। मैंने कहा ना बिल्कुल रुमाली रोटी जैसा आपको टेस्ट देगी। अब इसे आप अच्छा पतला सा बेल लीजिए, जितना पतला आप इजीली बेल सकें, बस फटना नहीं चाहिए, और अच्छा पतला सा आप इसे बेल कर तैयार करें। जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा और पतला, तभी आपकी जो ये मुल्तानी रोटी बनेगी प्रॉपर टेस्ट की बनकर तैयार होगी। और ये देखिए मैंने इसे काफ़ी बड़ा सा और एकदम पतला सा बेलकर तैयार किया है। और फ्रेंड्स अब इसमें जो लेयर है जब वो सिकने के बाद खुलेंगे तो आप इसका टेस्ट भूल नहीं पाएंगे, इतना बढ़िया आपको टेस्ट मिलेगा। और गैस ऑन करके उसके ऊपर तवा रखा, गरम कर लिया, और रोटी काफ़ी पतली है, और आपने देखा ना जैसे ही मैंने डाला 10 से 15 सेकंड में इस तरीके से बबल्स आने लगे हैं, उसे टर्न कर दिया। इसे आप बहुत ज़्यादा ब्राउन ना करें, बस जैसे ही हल्का हल्का कलर आने लगे उसी समय आप इस पर चाहे तो देसी घी से या नॉर्मल कुकिंग ऑयल के साथ इस तरीके से इसे सेक लें। और अब आप ये देखिए थोड़े थोड़े ऑयल के साथ मैं इसे सेक रही हूँ और ये प्रॉपर फूलना स्टार्ट हो गया है। हल्का हल्का प्रेस करते जाएं और इस तरीके से आप इसे सेकते जाएं, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसे देसी घी के साथ बनाएंगे या बटर के साथ बनाएंगे तो और भी मज़ेदार टेस्ट करेगी, देसी घी और बटर की तो बात ही अलग है। और ये देखिए एकदम परफेक्ट बढ़िया सी हमारी मुल्तानी रोटी सिककर तैयार हो गई है। तो चलिए अब बारी है प्लेटिंग करने की और साथ ही टेस्ट करने की कि क्या बढ़िया इसका टेस्ट मिलने वाला है। सब्जी रखी, उसके साथ ही रख लिया हरा धनिया, और ये रखी अपनी मुल्तानी रोटियां, हरे धनिया की चटनी, और साथ ही रख लिया थोड़ा सा सलाद जिसमें प्याज ले लिया, टमाटर ले लिया। और वापस का साउंड सुनिए क्या क्रिस्पी इसका साउंड होने वाला है, है ना फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त। इस तरीके की रोटियों को आप किसी भी हैवी सब्जी के साथ अगर बनाते हैं ना तो यकीनन बहुत ही बढ़िया टेस्ट करती है, जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। फ्रेंड्स ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी, इसलिए अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर करें। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें, अगर पसंद आई है तो शेयर कर दें। थैंक यू।